Yo como los veo cada hora. ¿Qué sigue? Ah, tú ya le es que está en bajo y está. Su chaca chaca un cabo la teta. No. Tú y cabo no yo andí. चलिए ढोल बजाते हैं गाइस। यस गुड। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल गाइस। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब? और हम भी बढ़िया हैं गाइस। और शाम का टाइम है, रूटीन पता ही आप सभी को। शाम को मैं जाती हूँ अब घास काटने, तो गिल्टा चक्का है और चल पड़े हैं घास की ओर, मतलब खेत की ओर। तो चलिए चलते हैं गाइस, आइए। और ये अपना रोड देख सकते हैं बाहर को, बहुत ही सुंदर। और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है इतनी, ब्लॉग शूट ज़्यादा नहीं होगा शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो कोई ना, फिर भी कोशिश करते हैं। और गाइस 5:30 हो बज गए हैं मैक्सिमम, और फ़ोन में बैटरी नहीं क्योंकि लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो पहुँच गए हैं, आजकल तोते हैं यार, आजकल क्या रोज़ ही तोते आते हैं। और बहुत ज़्यादा नुकसान किया, मैं आपको दिखाऊंगी इतना सारा नुकसान किया है इस बार। मतलब जितने में भी तैयार होंगे उतने में तोते ने ख़त्म कर देना खा खू के ये सब। और मैं नहीं चाहती कि तोते ख़राब करें और उस वजह से हमारी जो बॉक्सेज है वो कम हो जाएं। देखा तोता आ गया, जैसे ही नाम लिया तोते का, तोता हाजिर। कुत्ता तोता तो ठीक है। तो क्या बादल छाए वैसे, और क्या बोलते हैं, पीछे देख सकते हैं सेब में कलर आ गया। अब बगीचे में एक प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें जो घास है वो छोटा छोटा है, और उस वजह से जो है मेरे को मज़े नहीं आते घास काटने के यार। और गाय हमारी बहुत ज़्यादा घास खाती है क्योंकि पेट नहीं रचता उसका। फिर से वही वाला स्टाइल किया है, मुझे भी अच्छा लग रहा है आजकल। जैसे जैसे व्लॉग शूट कर रही हूँ वैसे वैसे बैटरी जो है ख़त्म हो रही है, और 10% बैटरी बची है। देखते हैं कहाँ तक की व्लॉगिंग होती है इसमें। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ पर जो है कलर आ गया सेबों में, और मैक्सिमम साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ। ये थोड़ा सा छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा। तो देख सकते हैं इन तीनों का साइज़ कितना डिफरेंट है। ये छोटा जैसा, और ये भी साइज़ तो ठीक हो गया है इनका, पर जो ओले ने मारे है ना ये तो ठीक नहीं होने वाले बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हमने स्प्रे इसमें 3 बार कर लिए ओले वगैरह की, जो ओले आया था यहाँ पर। और सारे में साइज़ ऐसे ही है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा सेबों का। तो मैं देख रही हूँ कहाँ पे जैसे घास काटूँ। चलिए ढोल बजाते हैं गाइस। तो ये ढोल है अपना बगीचे में। बजाना पड़ता है तब भागते थोड़े तोते। बगीचे में बहुत छोटा घास है यार, थक गई हूँ मैं ढूंढ ढूंढ के। मैंने इतने लंबे लंबे शूज़ पहने हैं ना, हंटर हंटर बोलते हैं उनको, पता नहीं क्या जो भी है। मैंने इतने उई सांप मिल गया था। सांप अगर दिख भी जाएगा तो सांप का डर नहीं रहेगा क्योंकि मैंने शूज़ लंबे लंबे पहने हैं, देख सकते हैं। और बैटरी ख़त्म हो गई, यहाँ पे आ गई हूँ मैं। और ये वाला घास काटते हैं, थोड़ा सा बड़ा है ये बाकी घासों से, जो घास ही थोड़ा सा बड़ा है इसी को काटते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी तो उस वजह से आगे की वीडियो बन नहीं पाई है। तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं और बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, रात सी बारिश हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा, और मॉनसून का टाइम है तो बारिश ऑब्वियसली हो गई गाइस। तो चलिए आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं गाइस। बारिश का मौसम सुहाना। तो गाइस फ्रेश होते हैं अब, हाथ मुँह धोते हैं, ब्रश करते हैं,
तेरी चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम। सो गाइस दिस इज द फेस वॉश गार्नियर वाइट विटामिन सी फेस वॉश, बहुत ही बेहतरीन फेस वॉश है फॉर ऑल टाइप स्किन के लिए। स्नोफी एंड पीकू क्या कर रहे तुम दोनों यहाँ पर हैं? क्या कर रहे तुम दोनों तोते जैसे? ओए क्या चाहिए तुम दोनों को हैं? क्या चाहिए क्या चाहिए भाई? अच्छा जी पीकू देखूं मैं तुझे यहाँ देखूं। ये है स्नोफड़ी, कैच इट स्नोफ, कैच कैच कर बेटा, ले यहाँ जैसे आ, यहाँ जैसे आ, चल हाँ चल हाँ पीकू, यस गुड। स्नोफी को क्या चाहिए? अब खाना तो खाया नहीं इसने, बेकार। स्नोफी 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 बैठी है, स्नोफ स्नेफ 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 ले। सो गाइस मिल्क में हम स्टिंग ऐड करेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे धुंध पड़ गई है, बिल्कुल धुंध पड़ गई है और मैं अंधेरे में हूँ। अंधेरा अंधेरा अंधेरा, बहुत ही ज्यादा अंधेरा है गाइस। तो गई 9:30 बज चुके हैं और देख सकते हैं आप सुबह का मौसम जो है ख़राब हो गया बिल्कुल और धुंध पड़ गई सारे में। और मैं बगीचे आई थी तो मैंने सोचा तोते देख लेते हैं, तो मैं गई थी यहाँ पर पीछे को और धुंधी धुंध के कारण मैं वापस आ गई। फिर देखो कितनी धुंध पड़ी है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो है तोते वगैरह ने
तोतों ने जो है खा के यहाँ पे सेब रख दिए हैं, मतलब गिरा के रख दिए हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत सारे हैं, ऐसी जगह में बहुत सारे सेब इन्होंने खा के ऐसे ही फेंक दिए, वेस्ट हो गए हैं। और इस वजह से जो है हमारा नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं गाइस। यहाँ देखो सारे में ऐसे ही है। तो गाइस देख सकते हैं कितना नुकसान करते हैं ये जो पक्षी वगैरह होते हैं, बंदर और भालू गांव में ऐसे ही नुकसान करते हैं सबके। और ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, क्योंकि इससे हमारे को जो है नुकसान हो रहा है। ऐसे ऐसे रोज़ करते रहेंगे तो रोज़ रोज़ जो पेटियाँ होनी है, बॉक्सेज होने, वो भी कम हो जाएंगे और उस वजह से नुकसान ही है हमारे एक तरफ से। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर ले गाइस, और हो सके तो शेयर कर लेना गाइस।